हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन के रिव्यू के बारे में। राया एंड द लास्ट ड्रैगन ये एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे 5 मार्च को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्लोस लोपेस और डॉन हॉल ने, और फिलहाल इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है। पर ये फिल्म हिंदी डब में कब तक आपको देखने को मिल जाएगी, ये अपडेट भी मैं इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कहानी फोकस करती है कुमांड्रा नाम की एक फैंटेसी वर्ल्ड पर, जहां ड्रैगन्स और इंसान एक साथ रहते हैं। पर जब वहां ड्रू नाम के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं तो उनसे कुमांड्रा को बचाने के लिए ड्रैगन्स अपनी जान दे देते हैं। पर 500 सालों बाद अब वो मॉन्स्टर्स वापस आ चुके हैं, जिनसे कुमांड्रा को बचाने के लिए राया निकल पड़ती है आखिरी बचे हुए ड्रैगन को ढूंढने। तो क्या राया अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा जिसका नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो आपको पहले से ही पता होगा कि फिल्म में आपको किस टाइप की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। पर अगर आपने ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा कि बिना ट्रेलर देखे आप जाकर इस फिल्म को देख लीजिए, क्योंकि डिज्नी की तरफ से बनाई गई राया एंड द लास्ट ड्रैगन एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। भले से ही फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल और प्रेडिक्टेबल ही क्यों ना हो, पर जिस तरह से फिल्म में उसे हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो लाजवाब है। और शुरुआत में मैंने जो ट्रेलर के लिए कहा वो इसलिए कहा क्योंकि ट्रेलर में फिल्म को जिस तरह से दिखाया गया है ये फिल्म उससे कई ज्यादा बढ़िया है। भले से ही स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो पर फिल्म बाकी मामलों में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। जिसमें पहले बात डायरेक्शन की कर लेते हैं तो फिल्म का डायरेक्शन अगेन लाजवाब है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म में इस कुमांडर नाम के फैंटेसी वर्ल्ड को दिखाया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, फिल्म का एनिमेशन और विजुअल्स भी जो अगेन लाजवाब है। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये कितनी बार कहने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि फिल्म ही हर एक मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जिसमें आगे बढ़ते हुए बात करूँ वॉइस एक्टिंग की, तो फिल्म में वॉइस दी है कैरी मैरी, कीमा चैन, ऑकोफिना, सैंड्रा ओ और बेनेडिक्ट वोंग जैसे काफी बढ़िया एक्टर्स ने, जिन सभी की वॉइस परफेक्ट सूट करती है कैरेक्टर्स पर। और अब आ जाएं कैरेक्टर्स पर, तो नो डाउट फिल्म में हर एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से की गई है, जिसके चलते फिल्म का हर एक कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। जिसमें से मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो नो डाउट वो है राया का कैरेक्टर, और हाँ कैप्टन बोन का कैरेक्टर भी मुझे फिल्म में काफी पसंद आया। और अब बात कर लेते हैं बाकी चीजों की, तो फिल्म की एडिटिंग भी अच्छी है और फिल्म का BGM जो फिल्म की जान है, और एक्शन सीन्स भी फिल्म में बहुत ही ज्यादा अच्छे, और ये डिज्नी की फिल्म है तो फिल्म में कॉमेडी भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल मेरी नजर में फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन डिज्नी की बेस्ट फिल्मों में से एक है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन को मैं दूंगा 4.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के हिंदी डब अपडेट के बारे में। तो डिज्नी की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि फिल्म मुलान की तरह ही राया एंड द लास्ट ड्रैगन को भी हिंदी डब किया जा रहा है, जो बहुत जल्द फैंस को देखने मिल जाएगी। बात करूं रिलीज डेट की तो इस फिल्म को 4 जून को हिंदी, तमिल, तेलुगु इन तीनों ही लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, 4 जून के बाद आप इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु इन तीनों ही लैंग्वेजेस में देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।